And now, ladies and gentlemen, all of us are uh, eagerly waiting for this session and deciphering uh, these mythological events and uh, characters uh, which stand so very relevant today, deciphering the learning, the knowledge, the wisdom which they carry. And we have uh, our renowned uh, speaker, mythologist, storyteller, who's going to be deciphering leadership for us from mythology someone who has given almost uh, 15 years to the healthcare sector, but now he has totally immersed himself uh, in uh, understanding these mythological characters and stories and taking it to the world, the learnings uh, from them. Ladies and gentlemen, Mr. Devdat Patnayak, he writes on the relevance of mythology in modern times, especially in the areas of management, governance and leadership. He defines mythology as cultural truths. Which are revealed through stories, symbols, and rituals. As I mentioned, he was trained in medicine, and now, over the past decade, he has been fully immersed in exploring mythology and sharing its wisdom. In this last 25 years, he has written 50 books. One of the most famous book has been Ram and Yoga Mythology. Over to Mr. Devdutt patnayak Thank you so very much for joining us. And. जी इट एक्स एस थ्रू इट नमस्ते माई नेम इज देवदत्त पटनायक एंड एन आई टॉक ऑन मिथॉलॉजी तो जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तो ये शब्द मिथॉलॉजी को पहले एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर बिजनेस और आपको ये समझ में आएगा कि मैनेज लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि देवदत्त माइथोलॉजी और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप क्या है तो हमेशा बिफोर आई रियली टॉक फॉर अबाउट फाइव मिनट्स आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये शब्द ये दोनों शब्द में रिलेशनशिप क्या है एंड हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस टू बिजनेस तो पहले शब्द है माइथोलॉजी तो अगर इसकी हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी अनुवाद होगा आख्यान शास्त्र आख्यान शास्त्र माइ मिथॉलॉजी वर्ड का जो मिथ है ये शब्द एक यूनानी शब्द है इट्स अ ग्रीक वर्ड इसका मीनिंग है मिथोस और उसका संस्कृत अनुवाद है आख्यान तो आख्यानों का शास्त्र को हम मिथोलॉजी कहते हैं अभी जब आप वेद पुराण पढ़ते हो तो वहां पे व्याख्यान होता है और आख्यान होता है सो व्याख्यान इज लाइक थ्योरी थ्योरी लेकिन आख्यान इज स्टोरीज की कहानी के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान देंगे सो नॉलेज हैज टू रीच पीपल तो सबसे सिंपल टेक्निक क्या है वो है कहानी कथा तो कथा एक पात्र जैसा इट्स लाइक अ वेसल सो इट्स लाइक अ वेसल लाइक फॉर एग्जांपल यू आर थर्स्टी आपको प्यास लगी है सो यू वांट वाटर तो पानी चाहिए पानी को देने के लिए आपके पास एक पात्र होता है वेसल सो यू अ बॉटल उसके अंदर जो पानी होता है दैट इज इंपॉर्टेंट लेकिन क्या हो जाता है कई बार हम बॉटल को इंपॉर्टेंस जाना देते हैं कि हम कहानी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और कहानी के भीतर जो पानी है जो ज्ञान है उसे भूल जाते हैं हाँ, तो ये मैंने देखा बहुत चालू है तो लोगों ने कहा कि देवदत्त ये बिजनेस के साथ क्या लेना देना है बिजनेस के साथ बिजनेस तो व्या, व्यापार के बारे में है वाणिज्य के बारे में बिजनेस बिजनेस इज अबाउट अबाउट ट्रेडिंग व्हाट्स द कनेक्शन हाउ कैन देर बी एनी कनेक्शन बिटवीन माइथोलॉजी एंड बिजनेस ये तो बात बहुत सिंपल है देखिए पहले जमाने में जब आप लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आई गो टू अट ऑफ बिजनेस स्कूल्स तो ये एम कॉलेजेस होते हैं एम बी ए कॉलेज में जब आप जाओगे तो आप उनको बिजनेस के बारे में पूछते हो कि टेल मी समथिंग अबाउट बिजनेस वॉट इज की वर्ड्स ऑफ बिजनेस शब्द जो सिखाए जाते हैं हार्वर्ड्स जहां पर भी जाओ पढ़ने के लिए बिजनेस तो एक प्रकार का भाषा आता है देर इज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट आई एम गो रिपीट दो मैंने सुने हैं इन एवरी कॉलेज इंडियन कॉलेजेस यूरोपियन कॉलेजेस अमेरिकन कॉलेजेस चाइनीज कॉलेजेस ये शब्द क्या है सबसे ज्यादा शब्द क्या इस्तेमाल होता है दे विल यूज वर्ड लाइक मार्केट पेनिट्रेशन मार्केट पेनिट्रेट करना है क्रशिंग कॉम्पिटिशन ग्रैबिंग वॉलेट शेयर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री Dominating the industry, dog-eat-dog dog world, rat race, and today word is shark tank. market penetration, crush the competition, grab wallet share, dominate the market. It's a dog-eat-dog dog world. It's a rat race. शार्क टैंक सभी शब्दों में इतना हिंसा सो so वायलेंट लगता है आप व्यापार के बारे में नहीं बात कर रहे हो आप रणभूमि के बारे में बात कर रहे हो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस यू आर टॉकिंग अबाउट वॉरफेयर मैंने किसी को पूछा लेक्चर में कि देस अ वर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इसका हिंदी अनुवाद दीजिए मुझे और उन्होंने कहा कि रणनीति सेड किसके साथ लड़ाई करने जा रहे हो मार्केट में और जब हमें सेल्स कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया जाता है तो भाषा हमेशा ऐसे होती है कि देखो हमें वीर बनना है या वीर गति को प्राप्त करना है बाप रे इतना युद्ध किसके साथ कर रहे हो आप बेचते क्या हो इतना युद्ध किसके साथ सर हम टॉयलेट पेपर बेचते हैं टॉयलेट पेपर बेचना भी अभी रणनीति चाहिए आपको सेल्स <laughs> मैन के जो मोटिवेशनल स्पीच होता है बिकॉज नॉर्मली आई कॉल टू गिव मोटिवेशनल स्पीचेस तो वहां पे लोग कहेंगे कि देवदत्त लोगों को मोटिवेट कीजिए और हमेशा जो चित्र होगा जो पिक्चर होगा वो हमेशा एक शेर का होगा या एक टीरेक्स डायनासोर का होगा या कोई चीता का होगा हमेशा एक मांसाहारी हिंसक प्राणी कभी कोई सुंदर खरगोश नहीं दिखाई देगा मुझे गिलहरी नहीं दिखाई देगा मुझे पक्षियों में केवल गरुड़ दिखाई देगा चील दिखाई देगा हर चीज में एक हिंसा भाव और मैंने कहा अभी देखिए यह परम सत्य है या केवल एक दृष्टिकोण है इज इट द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ बिजनेस और सिंपली ए पॉइंट ऑफ व्यू और यह शब्द आया कहां से है यह शब्द हम देखते हैं आया है क्योंकि बिजनेस पहले बार इंडिया में ये कंपनी कॉरपोरेशन शब्द कैसे आया कॉरपोरेशन कंपनी शब्द तो पहले नहीं होता था ये शब्द कहां से आया भारत में ये आया एक ही जगह से फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ल्ड फर्स्ट कॉरपोरेशन वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी वो आए व्यापार के लिए लेकिन थे लुटेरे लुटोर ये लुटोरों की भाषा जो है लुटोरों की भाषा जो है अब हमने अपना ली और हमारे बच्चे ये चोरों की भाषा बोल रहे हैं हिंसा की भाषा बोल रहे हैं हमने कहा कि व्यापार एक रणभूमि है यहां हिंसा करना पड़ेगा नहीं तो धन नहीं मिलेगा ये परम सत्य नहीं है तो इससे आता है मिथोलॉजी का अर्थ क्या है सो व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन मिथ शब्द का अर्थ है कुछ लोगों का सच ना कि परम सच समीपल्स ट्रूथ सब सबका सच नहीं है ये परम सच नहीं है ये कुछ लोगों का सच तो मिथोलॉजी का मतलब है वह शास्त्र जो कुछ लोगों का सच समझने का प्रयास करता है और कुछ लोगों का सच समझना आवश्यक है बिजनेस में क्योंकि बिजनेस में अगर आप बोलोगे कि मुझे सब कुछ पता है नो एवरीथिंग एंड यू वॉक इंग टू अगर मुझे पता है आई एम आई नो एवरीथिंग आई नो द ट्रूथ मुझे जो पता है वही सही है बाकी सब मूर्ख है किसी को नहीं पता है तो जब आप मीटिंग में जाओगे तो आप लड़ पड़ोगे विवाद करोगे कि मैं सच तुम झूठ मैं सच तुम झूठ और तू तू मैं मैं होता है और फिर आप जीत के अपने आप को वीर समझने लगते हो लेकिन अगर विवाद में हार गए तो आपको लगता है मैंने वीर गति प्राप्त कर ली और चारों तरफ अगर आप देखो टीवी देखिए मीडिया देखिए आपके मीटिंग्स देखिए सब लोग विवाद कर रहे हैं रस्साकस्सी कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसी से मंथन होगा यह क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सब सच पता है लेकिन भारत में उन्होंने कहा कि देखो रस्सा कस्सी यानी कि टग ऑफ वॉ और मंथन में बहुत फर्क है देवी देवता मंथन करते हैं रस्सा कस्सी नहीं खेलते मंथन मीन्स चर्निंग चर्निंग प्रैक्टिकल लैंग्वेज इसका मतलब है संवाद संवाद करना विवाद नहीं करना है संवाद करना है संवाद का मतलब क्या है मुझे कुछ सच पता है आई हैव सम नॉलेज मेरे पास कुछ ज्ञान है मेरा एक सच है मेरे दिमाग में मैं मेरा सच संपूर्ण सच नहीं है लेकिन मेरा सच है आपका भी एक सच है हम दोनों बात करते हैं संवाद करते हैं उपनिषद करते हैं साथ बैठ के बात करते हैं वार्तालाप के पश्चात आफ्टर द कॉन्वर्सेशन आफ्टर यू फिनिश्ड योर कॉन्वर्सेशन आपका ज्ञान बढ़ा है मेरा भी ज्ञान बढ़ा है वी बोथ हैव लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर रणभूमि का माहौल नहीं है आई एम नॉट ट्राइंग टू आर्ग्यू विथ यू आई एम नॉट डिबेटिंग विथ यू आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव आई एम राइट मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात सच है मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं जिसे हम संवाद कहते हैं संवाद से मंथन होता है मंथन से अमृत निकलता है मंथन से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है लक्ष्मी जिसके लिए व्यापार हम करते हैं तो व्यापार संवाद से निकलता है विवाद से नहीं विवाद एक पाश्चात्य भाषा है ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा है रणभूमि की भाषा है जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं हमारी संस्कृति ने कहा कि ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां कलह होगा जहां जंगल होगा वहां पे लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी वहां से भाग जाएगी अगर घर में लक्ष्मी को बुलाना है तो मंथन करो संवाद करो इस कमरे में 200-300 लोग हैं हर आदमी का अलग सच है एवरीबडी डिफरेंट ट्रूथ आई हैव माई ट्रूथ यू हैव योर ट्रूथ आपके एक्सपीरियंस अलग है माई एक्सपीरियंस इज डिफरेंट योर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट योर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट वी ऑल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अगर यहां ज्ञान वृद्धि करना है तो संवाद करना है विवाद नहीं रणभूमि नहीं चाहिए हमें रंगभूमि चाहिए रणभूमि नहीं रंगभूमि की दुनिया जहां पे ज्ञान की वृद्धि हो ताकि ज्ञान से हम लक्ष्मी का मंथन कर सकते हैं। दिस इज इंडियन फिलॉसफी मार्केट पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है कस्टमर को क्रश करने की जरूरत नहीं है ग्रैबिंग वॉलेट शेयर की जरूरत नहीं है लुटोरों की भाषा कि इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है एक दूसरे तरीका है व्यापार को देखने को वाणिज्य को देखने को हजारों साल से हम भारत में वी हैव बिन डूइंग बिजनेस हड़प्पा से लेकर आज तक हम बिजनेस कर रहे हैं हमें दूसरों से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ कुछ सीख सकते हैं कोई टेक्निक सीख सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं लेकिन विचार यहां अच्छे विचार सो वेन आई स्टार्टड डूइंग वर्क ऑन बिजनेस सो आई वर्क विद द लॉर्ड ऑफ बिजनेस पीपल फॉर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स आई हैव वर्क विद बिजनेस फैमिलीज मोस्ट ऑफ माई कस्टमर्स आर मारवाड़ीज़ गुजरातीज वैष्णव शेट्टीज चेट्टी आर्स तो मैंने अलग अलग बिजनेस कम्युनिटीज के साथ की तो अग्रवाल जी बोलिए महेश्वरी जी बोलिए बियानी जी बोलिए अंबानी जी बोलिए ऑल ऑफ देम हैव बीन माई क्लाइंट्स और हम बात करते रहते हैं एंड वी कीप आस्किंग उनका ट्रेडिशनल मॉडल क्या है उनका नया मॉडल क्या है और बातों बातों में निकलता है ज्ञान की बातें जो हम भूल चुके हैं जो सीख रहे हैं व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी कैन लर्न सो वन ऑफ द बिग थिंग्स आई विल टेल यू दैट इन जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं जब हम आख्यानों की बात करते हैं ज्यादातर लोग भारत में हम हिंदू आख्यानों के बारे में बात करते हैं लेकिन हम जैन आख्यानों के बारे में नहीं बात करते नाउ द जैन कम्युनिटी इज लेस देन वन परसेंट ऑफ इंडिया इट ओवर टेन परसेंट ऑफ द जी तो वहां कुछ तो होगा ज्ञान में जिससे हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो मैंने कहा कि देखो चलो जैन आख्यान पढ़ते हैं और जैन आख्यान में एक सबसे बड़ी बात आती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद अनेकांतवाद का मतलब क्या है हर आदमी में दुनिया में अलग अलग प्रकार के विचार हैं देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड किसी को पूर्ण सत्य नहीं पता है नोबड़ी नोज एवरीथिंग हर आदमी को कुछ ज्ञान है तो कभी विवाद मत करो संवाद करो इससे बिजनेस बढ़ता है क्योंकि आप नई नई चीज सीखते हो तो जैन आख्यानों में अनेकांतवाद आया इसलिए अहिंसा आया क्योंकि हिंसा विवाद करता है अहिंसा संवाद करता है अहिंसा अनेकांतवाद को मानता है तो दोनों को हम जोड़ते हैं सो सच ए ब्यूटीफुल जस्ट रियलाइज अरे डर द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी बिकॉज देखो बाजार में जब जा रहे हो तो अपने कस्टमर के साथ लड़ाई मत करो सुनो उनकी बातें कुछ सीखने को मिलेगा कि अच्छा ये चलता है ये नहीं चलता है मार्केट में ये हो रहा है ये हो रहा है कान को सुनो 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 वेदों को भी हम श्रुति कहते हैं लिसिन 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 मंदिर में कहा गया है कि दर्शन करो लेकिन लोग क्या करते हैं मंदिर जाके आंख बंद कर देते हैं कहा गया है दर्शन करो देखो 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 लेकिन हम आंख बंद कर देते हैं कान बंद कर देते हैं लेकिन कहा गया है श्रुति 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 दर्शन 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 सीखो दुनिया से एंड सडनली ज्ञान का भंडार आपके तरफ आएगा एंड दैट इज वॉट यू डू तो ज्ञान के से क्या क्या मिलता है लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट बिजनेस तो मैं आपको एक छोटी सी यात्रा में लेके जाऊंगा एंड आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन सीखेंगे इससे। तो बौद्ध जैन हिंदू ये तीनों जो आख्यान है यहां पे एक चीज कॉमन है तीनों में स्वर्ग का वर्णन मिलता है स्वर्ग स्वर्ग यानी कि पैराडाइस स्वर्ग का वर्णन क्या है स्वर्ग का वर्णन है कि यहां देवी देवता रहते हैं ज्यादातर देवता और यहां पे कल्पतरु है बाय कल्पतरु आई डोंट मीन द बिल्डर सॉरी कल्पतरु है यहां पे। इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ जो चाहिए आपको मिल जाएगा यहां पे कामधेनु है ऐसी गाय है जिसके सामने अगर आप खड़े हो जाओ जो भी मांगोगे मिल जाएगा यहां एक अक्षय पात्र है इसके सामने खड़े हो जाओ जो चाहिए मिल जाएगा चिंता मणि है एक ऐसा मणि है उसको सामने खड़े हो जाओ जो चाहो मिल जाएगा यानी कि इन दोस बिजनेसमैन जो अकाउंटिंग समझते हैं स्वर्ग का मतलब है इनफाइनाइट रिटर्न विथ नो इन्वेस्टमेंट यहां इन्वेस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है जो चाहिए मिल जाएगा इसका मतलब है कल्पतरू कामधेनुट्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ मांगो मिल जाएगा इनफाइनाइट रिटर्न विथ नो इन्वेस्टमेंट इसे स्वर्ग कहते हैं तो स्वर्ग में देवता रहते हैं सुखी होंगे लेकिन समृद्ध है समृद्ध है दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी लेकिन सुखी नहीं है इंद्र का सिंहासन डगमगाता है डगमगाता है डगमगाता है क्यों डगमगाता है जितने भी सीरियल देखो हमेशा इंद्र का सिंहासन डगमगाता है तीन कारण है तीन एक कारण है कि वो हमेशा डरता है कि मुझसे भी बड़ा इंद्र हो सकता है यानी कि मार्केट में कंपटीशन है तो अगर कोई दूसरा राजा यज्ञ करने लगता है तो इंद्र बनने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ता है जो सबसे ज्यादा यज्ञ यज्ञ मतलब प्रोजेक्ट बोलिए आपके लिए प्रोजेक्ट्स हो गया जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट करता है वो इंद्र है लो हमेशा डर लगता है कि अरे बगल वाला का लड़का ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है मुझसे ज्यादा प्रोजेक्ट करेगा मतलब वो मुझसे बड़ा हो जाएगा फॉर्ब लिस्ट में उसका नंबर नाम आ जाएगा तो जब कोई दूसरा इंद्र यज्ञ करता है तो जो स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र उसको बहुत नर्वस हो जाता है वो और वो कहता है कि इसके घोड़े को चुरा लो यानी कि उसके जितने भी लोग हैं उसको हायर कर लो ताकि उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाए कंपटीशन से हम डरते हैं इंद्र भी कंपटीशन से डरता है तो जब हम ये बात सुनते हैं इंद्र के पास पैसा है सक्सेस है लेकिन वो इनसिक्योर है असुरक्षित है लगता है हम देवी देवताओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हमारे बारे में बात कर रहे हैं सिंहासन डगमगा रहा है और वो दूसरे महाराजाओं से राजाओं से डरते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मुझे कोई नहीं पूछेगा तो उसके यज्ञ को भंग कर दो ताकि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो उसका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो ये है उसका फर्स्ट सेकेंड उससे सबसे डरता है बहुत डरता है कोई असुर आ गया तो मार्केट में अभी असुर कौन है जब देवासुर संग्राम होता है हमेशा देखिए स्वर्ग में हमेशा देवासुर संग्राम होता है असुर कौन है वो देवताओं के सौतेले भाई है यानी कि फैमिली जो जायदाद का हिस्सा मांगने आ रहे हैं कि भैया ये जायदाद तो मुझे भी चाहिए तुम्हारा जायदाद ये स्वर्ग कैसे हुआ हम दोनों ब्रह्मा के बेटे हैं पूरी जिंदगी पूरी संपत्ति तुम्हारी कैसे मुझे भी हिस्सा दो तो घर घर की कहानी हो गई जायदाद के ऊपर फैमिली के बीच में लड़ाई हो गई भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई पांडव कौरवों के बीच में लड़ाई हो गई तो जब हम पुराण पढ़ते हैं कि भाइयों के बीच में जोर जोर की लड़ाई असुर इसलिए देवता के तो वो असुर है क्योंकि वो मेरी संपत्ति छीनना चाहता है असुर कहता है वो तुम्हारी संपत्ति बनी कैसे हमारी संपत्ति है तो ये लो इंद्र का दूसरा प्रॉब्लम आ गया पहला प्रॉब्लम है कंपटीशन, दूसरा प्रॉब्लम है अपना ही परिवार और फिर तीसरा कंपटीशन आता है सबसे डेंजरस तपस्वी ऋषि अब ये समझने के लिए थोड़ा देखिए इंद्र फेमस क्या है उसके पास सब कुछ है तो लोग यज्ञ करते हैं यज्ञ से बोलते हैं कि इंद्र आके हमें कुछ दीजिए तो मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्र को आवाहन करता हूं और उसे बुलाता हूं कि सर गिव मी समथिंग गिव मी समथिंग मुझे दीजिए लेकिन इंद्र व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंद्र सो ही इज ऑफ वैल्यू उसका वैल्यू कब तक है जब तक मार्केट में डिमांड है जितना डिमांड होगा उसका वैल्यू उतना बढ़ेगा ही इज एज वैल्यूएबल एज द मार्केट तो सबसे डेंजरस आदमी कौन है जब मार्केट कहेगा कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है देर इज नो डिमांड इन द मार्केट तपस्वी कौन होता है तपस्वी वो होता है जो कहता है मैं आंख बंद कर दूंगा मुझे मार्केट से कुछ नहीं लेना देना मैं अपने इच्छाओं का भंग नष्ट कर दूंगा आई डोंट वॉन्ट मुझे काम ये वासनाओं से दूर रहना है मुझे कुछ नहीं चाहिए यानी कि इमेजिन रियल एस्टेट बिजनेस में अगर डिमांड ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री का क्या होगा तो इंद्र को डर लगता है तो वो क्या करता है वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बुलाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट यानी कि अप्सरा, अप्सरा को कहता है जाओ वहां पे तपस्वी बैठा है आंख बंद करके बैठा हुआ है उसके सामने डील और डिस्काउंट का नृत्य करो तो डील और डिस्काउंट का नृत्य होता है तपस्या भंग हो जाती है इंद्र कहता है वापस मार्केट में डिमांड आ गया मार्केट ग्रोथ हो रहा है हमें तपस्वी पसंद नहीं है मार्केट में तपस इसलिए शिवजी से हम बहुत डरते हैं अरे उसको भूख ही नहीं लगती है उसको नहीं चाहिए सो so सडनली इंद्र लोक अभी ये कथा 2000 साल पुरानी है स्टोरीज आर 2000 ओल्ड कम कम से जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म तीनों में मिलता है इंद्र के बारे में इंद्र सभा के बारे में रियलाइज करता है कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो इंद्र लोक और तीनों में हिंदुइज्म बुद्धिज्म में कहते हैं कि देखो स्वर्ग से भी बड़ा कुछ और एक जगह है स्वर्ग में हमेशा लड़ाई होती है रणभूमि है देवासुर संग्राम है इंद्र दूसरो महाराजाओं से लड़ता है कंपटीशन से लड़ता है रेगुलेटर के साथ लड़ता है कस्टमर के साथ लड़ता है अपने फैमिली के साथ लड़ता है चारों तरफ लड़ाई ही लड़ाई है दूसरी दुनिया भी हो सकती है ये कौन सी दुनिया है तो वो बोलते हैं कि चलो शिवजी के पास जाते हैं क्योंकि हम काशी नगरी में हैं। हम शिवजी के पास जाएंगे आप गए हो दर्शन करने के लिए सो वी गो टू काशी शिवजी के पास जाते हैं लेकिन शिवजी पहले काशी में नहीं रहते थे कैलाश पर्वत पे रहते थे और कैलाश पर्वत इज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस पत्थर पत्थर है वहां पे और पत्थर में बर्फ है वहां पे वहां पे वनस्पति नहीं nothing gross, कुछ नहीं होता है खाने को कुछ नहीं है वहां शिवजी मस्त बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं तो शिव इंद्र बोलते हैं कि सर वहां पे कामदेव को भेजते हैं तो शिवजी कामदेव को ध्वंस कर दे जला देते हैं और अपने शरीर में भभूत लगा देते हैं भभूति नाथ उनको बोले जाते हैं कि वो कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरे में इच्छा ही नहीं है सो so, अगर उनमें भूख नहीं है कोई भूख नहीं है इसलिए देवों के देव महादेव देवताओं को भूख लगती है महादेव को भूख नहीं लगती तो पूजा तो सब लोग कर रहे हैं तो उस समय इंद्र कहते हैं मैं करूं क्या अगर ये तो अगर सब लोग शिव जी जैसे बन गए अगर भूख को उन्होंने मिटा दिया तो बाजार कैसे चलेगा मार्केट मार्केट में अगर इच्छा नहीं होगी भूख नहीं होगा तो बायर कहां से आएगा फिर सेलर का होगा क्या व्यापार के लिए फॉर बिजनेस वी नीड डिमांड एंड सप्लाई भूख नहीं होगी तो बाजार कैसे चलेगा अगर सब लोग शिवजी जैसे बन गए सब लोग तपस्वी बन गए तो बाप रे ध्वंस हो जाएगा संहार हो जाएगा करें क्या तब उस समय देवी आती है दिस इज वेन द गॉड पर्वत की बेटी पार्वती आती है बोलती मैं संभाल लूंगी आजकल वी डोंट रियलाइज कि वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशन इज द रोल ऑफ द गॉडेस और देवी आती है और वो शिवजी के सामने तपस्या करने लगती है जैसे शिवजी तपस्या करते हैं वैसे ही पार्वती तपस्या करती रहती है इतनी तपस्या करती है कि शिवजी भी उड़ जाते हैं उनके भैया तुम तपस्या क्यों कर रही हो क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए आप जैसे आपको कुछ नहीं चाहिए आपने अपनी इच्छाओं को तप से जला दिया है मैं भी अपने इच्छाओं को तप से जला रही हूं आप भी जलाओ मैं भी जलाती हूं दोनों जलाते हैं स्मशान भूमि में जाके सब कुछ जला देते हैं तो शिवजी को समझ में आता है कि ये कुछ बताना चाहती है क्या बताना चाहती है तो पार्वती ने उनसे सबसे बड़ा रहस्य कहती है कि देखिए आपने अपने भूख को मिटा दिया यू हैव रिमूव्ड योर हंगर लेकिन आपके चारों तरफ अराउंड यू कितने लोग भूखे हैं उनके बारे में अभी कब सोचा चारों तरफ भूत प्रेत बैठे हुए हैं रो रहे हैं उनके पास खाने कोई उनको याद नहीं करता भूत मानते हैं प्रेत मांगते हैं तो घर से निकाल देते हैं कोई नहीं उनके बारे में सोच रहा है कौन उनके बारे में सोचेगा इंद्र भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता इंद्र केवल अपने बारे में सोचता है उसका कल्पतरु उसका कामधेनु उसका चिंतामणि उसका अक्षय पात्र उसके अप्सराएं उसके गंधर्व उसका इनसिक्योरिटी उसका सिंहासन वो केवल अपने बारे में सोच रहा है दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है इसीलिए रणभूमि है रणभूमि वहां होता है जहां पे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचते हमें रणभूमि को अगर रंगभूमि में बदलना है तो आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा इसलिए शिवजी जी आप का कैलाश पर्वत में बैठे हुए हो आप प्लीज नीचे आइए काशी नगरी में आइए कम डाउन क्योंकि काशी नगरी में मनुष्य रहते हैं यहां पे बाजार है यहां पे स्मशान भूमि है यहां पे मंडी है यहां पे लोग लेन देन की बात करते हैं मार्केट है यहां पे, यहां पे लोग भूख से बाजार का निर्माण करते हैं यहां पे हम एक दूसरे के भूख को समझ सकते हैं तो शिव जी धरती पे आते हैं और पार्वती कहती है कि आपको दूल्हे के रूप में मेरे पास आना पड़ेगा और मेरा हाथ मांगना पड़ेगा यह जताना है कि आपको भूख लगी है पत्नी की भूख लगी है गृहस्थ जीवन की भूख लगी है क्योंकि आप तो महादेव हो आपको कुछ नहीं चाहिए दुनिया को दिखा दो कि आप तपस्वी होके भी गृहस्थी बनना स्वीकार है आपको इवन दो यू आर हर्मिट even though you don't want anything in this world, you will still marry, have a family, produce children, because other people matter. dusre logo me apko interest hai. who is this other person? your customer is the other person. the regulator is the other person. the government is the other person. business is not about me. it is also about you. जब हम बिजनेस की बात करते हैं हम बोलते हैं कि देवदत्त डिमांड एंड सप्लाई वी आर हंग्री मुझे कुछ चाहिए इसलिए महत्वाकांक्षा होता है लेकिन सामने वाले को भी भूख लगती है सामने वाले की भी महत्वाकांक्षा है हु इज द सामने वाला द पर्सन हु वर्क फॉर यू जो भी आपके साथ जॉब कर रहा है उसकी भी महत्वाकांक्षा है आपका कस्टमर है उसकी भी महत्वाकांक्षा मेरा घर बने मेरा ऑफिस बने मेरा लैंड बने गवर्नमेंट इज ऑल्सो महत्वाकांक्षी कि अगर आप सक्सेस करो तो उनसे आपसे टैक्स ले सके हर आदमी चाहता है आपसे कुछ ले और आप चाहते उनसे मैं कुछ लू हर रिलेशनशिप में हम चाहते हैं मुझे कुछ मिलेगा लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ लेने के पहले आपको कुछ देना पड़ेगा इसलिए उन्होंने यज्ञ का निर्माण किया यज्ञ व्हाट इज यज्ञ यज्ञ इज अ वेदिक रिचुअल और वेदिक रिचुअल में क्या होता है कि आप देवता का आवाहन करते हो यू कॉल द देवता और वहां उसे पहले आप कुछ देते हो स्वाहा मैंने कुछ दिया और उसके बाद मांगते हो तथास्तु, मुझे मैं पहले दूंगा फिर लूंगा फर्स्ट आई गिव देन आई टेक आप अगर मंदिर जाते हो अभी भी हम पहले नैवेद्य देंगे उसके बाद प्रसाद मांगेंगे पहले प्रसाद नहीं मांगते पहले नैवेद्य देते हैं पहले दो फिर लो पहले दो फिर लो इन बिजनेस लैंग्वेज दिस इज फर्स्ट इन्वेस्ट देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा स्वाहा वैसा तथास्तु एज इज इन्वेस्टमेंट सो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोटी स्वाहा चोटा तथास्तु बड़ा नैवेद्य बड़ा रिटर्न ये सामने वाला है कौन हु इज दिस पर्सन हर आदमी आपके सामने जितने लोग हैं वो सभी देवता हैं क्योंकि देवता को भूख लगती है महादेव को भूख नहीं लगती आपके सामने जितने भी लोग हैं सभी भूखे हैं तो ये पूछना है कि मैं पहले खाना खाऊंगा या पहले खाना परोसूंगा इज बिजनेस अबाउट ईटिंग कंज्यूमिंग और इज इट अबाउट गिविंग गुड्स एंड सर्विसेस देना काशी नगरी की देवी का नाम है अन्नपूर्णा उनके हाथ में कड़ची है और वो खाना परोस रही है उनके पति को भूख नहीं लगता शिवजी को भूख नहीं लगती तो किसको खाना परोस रही है हंग्री पीपल जितने भी भूत प्रेत है भूखों को खाना दे रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं, अरे बाप रे देवी आप तो बड़ी दानी है मैं दानी नहीं हूं जो भी मेरा खाना खा रहा है वो ऋण में है ही ऋण है जब तक वो मुझे ऋण से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी उसे मोक्ष नहीं मिलेगा ही हैज टू रिपे द डेट सो सडनली स्वाहा इज इन्वेस्टमेंट तथास्तु इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नैवेद्य इज इन्वेस्टमेंट प्रसाद इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट नाउ नया कॉन्सेप्ट आ गया यहां पे काशी में ऋण डेट अगर तुम सिर्फ खा रहे हो तो ऋणी बनोगे ऋणी बनोगे तो नर्क में जाओगे क्योंकि आपका वजन बढ़ेगा जब वजन बढ़ेगा तो आप जरूर नर्क में जाओगे मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋण से मुक्ति लेना पड़ेगा ऋण से कैसे मुक्ति लोगे देना पड़ेगा लोगों को देना पड़ेगा तो लेते रहोगे तो नर्क जाओगे देते रहोगे तो मोक्ष प्राप्ति मिलेगा सो सडनली काशी ये सब जो कहानियां हैं इनमें हमें बिजनेस कॉन्सेप्ट मिल गए इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट ऑल दीज आइडिया डिमांड सप्लाई आई कैन गो ऑन टॉकिंग ऑन दिस हरी कथा अनंत हरी अनंत हरि कथा अनंत सो कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट बट आई विल एंड विथ वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स क्योंकि हमने विष्णु जी के बारे में बात ही नहीं किया तो केवल एक लाइन से मैं खत्म करूंगा उनके बारे में एक गरीब कहता है अमीर सुखी अमीर कहता है राजा सुखी राजा कहता है इंद्र सुखी इंद्र कहता है राम सुखी राम कहता है ऋषि सुखी ऋषि कहता है जो संतोष वही सुखी क्योंकि जो संतोष है वही मार्केट में सचमुच में इन्वेस्ट कर सकता है हाई रिस्क ले सकता है अगर संतोष नहीं है जैनिज्म में इसे अपरिग्रह कहते हैं जिसमें अपरिग्रह होता है वही रिस्क ले सकता है वही मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और उसी के तरफ लक्ष्मी हमेशा चल के आती है और वैकुंठ का निर्माण होता है तो आई होप ऑल ऑफ यू क्रिएट वैकुंठ री भारत में भारत में लक्ष्मी आपके तरफ आए ताकि हम भारत का नाम बदल के वैकुंठ में बदल दें थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद देवद जी एंड वन ऑफ द थिंग्स आई जेन्यून यूड अबाउटिविटी एंड द वायलेंस ऑलमोस्ट विद विच वी अप्रोच बिजनेस आई वॉन्ट टॉक अबाउट एथिक्स what are some of you know the key lessons or uh, on ethics that we can learn from our epics uh, see these words like ethics are very difficult to define hmm. because they are subjective they are not objective that yeah. is why they are called ethics law is objective ethic is subjective hmm. and जो आपको एथिकल लगे मुझे नहीं एथिकल लगेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेरियन हो सो यू विल से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अनएथिकल है hmm. जो नॉन वेजिटेरियन है वो कहेगा कि नहीं ये तो एथिकल है सो hmm. so, इससे वाद विवाद होता है आई द दल्टरनेटिव ऑफ लुकिंग एट इन माई कॉन्वर्सेशन एम आई थिंकिंग अबाउट मैं किसके बारे में सोच रहा हूं अ गुड मीटिंग इज वेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल किंग दम पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है मैं अपने बारे में सोचूंगा अपने परिवार के बारे में सोचूंगा यह नेचुरल इंस्टिंट है ये आपका डिफॉल्ट पशु जो पशु लेवल है आपका जो एनिमल लेवल है वो नॉर्मल है हालांकि देखिए एनिमल पिक्चर सुपरहिट है बिकॉज क्यों क्योंकि हमें पशु बनना पसंद है क्योंकि पशु का मतलब है अपने बारे में सोचना सर्वाइवल बट दैट्स एन एनिमल हम लोग पशु नहीं है hmm. हम लोग पुरुष हैं वी आर ह्यूम पुरुष डजन मीन मैन इट मीन्स ह्यूमन यानी कि हम में कल्पना शक्ति है और हम में सहानुभूति आत्मीयता की भावनाएं हैं वी कैन थिंक ऑफ अदर पीपल इसलिए हम खाना परोस सकते हैं परोसना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप डिटेल में जाएँ तो यज्ञ में तो यज्ञ में परोसनों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और यज्ञ का जो युह होता है जिससे आप यज्ञ करते हो बहुत ही लंबा लकड़ी होता है ताकि आप अपने आप अपने आप को नहीं खिला पाओगे mm. केवल देवताओं को खिला पाओगे इसलिए इट्स अ लॉन्ग स्टिक बहुत लंबा लकड़ी होता है टू रिमाइंड यू कि यज्ञ का मतलब है दूसरों के बारे में सोचना mm. लेकिन हम एथिक्स इज वेन यू थिंक अबाउट अदर पीपल टू पुट योर इन सिंपल वे एंड एबसेंस ऑफ एथिक्स इज वेन यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली यू हफकोर्स ये डिफॉल्ट है ये आप अपने बारे में तो ऑफकोर्स सोचोगे लेकिन कितना आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो दैट इज द मेजरमेंट दैट इज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एज दिफिकल्ट सब्जेक्टिव है hmm. कितना किसके बारे में सोच रहे हो तो बोलोगे फैमिली के बारे में सोचूं, स्ट्रेंजर्स के बारे में सोचूं, जैसे अभी कोविड का टाइम आ गया तो हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे hmm. लेकिन कुछ लोग थे जो डॉक्टर उसको बाहर काम करना पड़ता है दे हैव टू वर्क बाहर जाके रिस्क लेना पड़ता है सो वॉट इज एथिक्स वॉट इज अनएथिक्स सो दीज आर द क्वेश्चन सो माई सिंपल आंसर इज आप किसके बारे में सोच रहे हो जो देवी ने शिवजी से कहा कि आप तो महादेव हो आप तो ग्रेट हो hmm. लेकिन प्रेत भूत प्रेत जो बाकी हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला है उनके लिए आप क्या कर रहे हो सो दैट इज आई थिंक एथिक्स एथिक्स इज व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द जर्नी टुवर्ड्स काशी एंड थिंक अबाउट अदर पीपल जब आप अन्नपूर्णा को स्वीकार करते हो कि मेरा जो रसोई घर है यहाँ खाना केवल मेरे लिए नहीं बनता है hmm. कई लोगों के लिए मिलता है कितने घर में चूल्हे जलते हैं मेरे वजह से आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट Benchmark to have. Understood. You know, one interesting point that you mentioned was that uh, you know we go to do darshan and how aake we and you also said previously that so much of mythology is filled with riddles, right? And in, it is on us to then decipher and uncover those truths um, from those riddles. So let's say I've gone to a temple and I see this murti of Ganesh Ji. Uh, अगर मैंने आंखें बंद करी तो मैंने क्या नहीं देखा सॉल्व वन ठीक है तो आप गणेश मूर्ति कोई भी देखिए गणेश जी की मूर्ति होती है तो अगर आपने दर्शन किया है ठीक से तो ये क्विज नहीं है बट आप दिमाग में ठान लीजिए आपने क्या देखा है वहां पे गणेश जी के हाथ में एक मोदक होता है मोदक जैसा होता है उनके ब, मोदक के बगल में ही एक चूहा होगा और चू और उनके पेट जो बड़ा तोंद है उनके पास तोंद में एक बड़ा सा एक नाग होता है नाग सो अ देर इज अ रैट एंड स्वीट अ ईट रैट रैट क्या खाता है मोदक और गणेश जी को भी मोदक पसंद है hmm. तो इन तीनों में रणभूमि होना चाहिए ना कि गणेश जी बोलेंगे मुझे मोदक खाना है फिर जो ये होगा जो रैट होगा जो चूहा होगा कि मुझे चाहिए फिर सांप कहेगा अरे मुझे चूहा चाहिए तो ये रणभूमि वाली स्थिति हो गई लेकिन कोई यहां गणेश जी बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं उनके हाथ में अभय मुद्रा है इसको अभय मुद्रा कहते हैं आशीर्वाद नहीं अभय मुद्रा डरो मत मैंने भूख मिटा दी है तुम में संतोष आ जाएगा तो गणेश जी संतोष में है तो जस्ट वो मिठाई पकड़ लिए हैं हाथ में लेकिन बोलते मुझे मैं संतोष हूँ आई है इटन देखो मेरा तोंद कितना बड़ा है मुझे और नहीं खाना है नहीं। जो चूहा है वो भी संतोष है कि सर मैंने बहुत कुछ खा लिया ये भक्तों के लिए रखिए हमें नहीं चाहिए नहीं। और जो नाग है बोलता है मैं भी संतोष हूँ मुझे नहीं खाना है तो सडनली रणभूमि रंगभूमि में बदल गया भूखा केवल भक्त है भगवान को भूख नहीं लगता वो केवल भक्त की भूख को देखता है कि देख कितना भूखा है ये अपने बारे में ही सोच रहा है दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है hmm. जब तक संतोष नहीं होगा तब तक आप स्वार्थी रहोगे hmm. जिस दिन जिंदगी में संतोष आएगा तब आप दर्शन करोगे hmm. जब तक संतोष नहीं होगा तब तक आंखें बंद रहेगी मेरी भूख मेरी इच्छा मेरा सुख मेरी महत्वाकांक्षा स ऑफ गॉड लाइक द रैट लाइक दू नो स्नेक वेन यून यू आर इन दरन ऑफ गॉड देन आपकी भूख मिट जाती है Is that अरे नहीं नहीं, नहीं 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 ये तो आउटसोर्स कर दिया हमने कि भगवान जी आउटसोर्स कर लीजिए आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ये तो आउटसोर्सिंग इन्फोसिस को छोड़ दीजिए हाँ, आउटसोर्सिंग बिजनेस देखिए जब काम नहीं करना है घर का काम नहीं करना है कौन सा काम करना नहीं पसंद करते हैं बाथरूम साफ करना पसंद नहीं करते हैं तो पहला काम हम करेंगे कि भैया पैसे आते ही बाथरूम के लिए हम किसी मेड को बुलाते हैं कि भैया नहीं तो किसी और आदमी को बुलाएंगे कि आप हाउस कीपिंग कर लो मुझे नहीं करना है हाउस कीपिंग सो जो काम मुझे नहीं करना है मैं आउटसोर्स करता हूँ यानी कि मुझे ये तप का काम नहीं करना देव भगवान आपको मैं समर्पित करता हूँ <laughs> नैवेद्य देने के बजाय हमने अपना प्रॉब्लम्स उनको सौंप दिया है कि कंसल्टेंट के जैसे आप सॉल्व करो तो आउटसोर्सिंग भगवान इसलिए हमेशा कृष्ण भगवान हमेशा हंसते रहते हैं कि देख कितना स्वार्थी आदमी है अपना काम भी मेजे से ऊपर दिया जो अपना बाथरूम साफ नहीं कर सकता वो कह रहा है भगवान को बाथरूम साफ करो गंदगी तुम्हारे अंदर है ना तुम साफ करो इसलिए तो हम सबको नमस्ते करते हैं ना सबके अंदर भगवान है सब में क्षमता है लेकिन पहला काम हम करेंगे आउटसोर्स आउटसोर्स देखिए जो अमेरिका ने क्या किया जब उनको वो जो काम करना नहीं है उन्होंने भारत भेज दिया जो अमेरिका ने कहा जो काम मुझे नहीं करना है उसने चाइना को भेज दिया खुद बर्बाद हो गए ट्वेंटी को ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ दे स्टार्टेड आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना एंड दे आउटसोर्स सर्विस इंडस्ट्री टू इंडिया वॉट हैपन टू अमेरिका ना देखो हालत क्या है आउटसोर्सिंग से बचो ये हमने शरणागति सर हमने शरण इसको कहते है, language, you अच्छा ये, काम सर, मुझे पता नहीं, आप, कर ना तो आप देखोगे कई लोग होते हैं जो रिवर्स डेलीगेट करते हैं बॉस को सब काम कराते हैं और बॉस तो कंट्रोल फ्रीक है वो करने को तैयार है तो मैं सैलरी लेता रहूंगा काम आप करते रहोगे और हम बॉस को बोलेंगे सर आप कितने महान हो कितने महान हो आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता है, बॉस तो झाड़ू भी लेके काम करने लगेगा का। <laughs> 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 तो रिवर्स डेलीगेशन से बचिए भगवान इसलिए श्री कृष्ण हमेशा हंसते रहते हैं देख मैं तेरा बाथरूम साफ नहीं करने वाला hmm. खुद को अपना घुसल खाना खुद साफ करना पड़ेगा पॉइंट टेकन अच्छा वी जस्ट स्पोक अबाउट श्री कृष्णा I think of you know um, so many of the as you said we are familiar probably it is are but we have read the most probably Ramayana and Mahabharata but we have read the Bhagavad Gita So as entrepreneurs, what are some of the lessons that we can learn just in you know short from the conversations that let's say Lord Krishna had with Arjun, let's say about family or resilience sure. or survival. <clears throat> so, अगर भगवत गीता समझना है तो आपको केवल फर्स्ट वर्स पढ़ना है बाकी भगवत गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है hmm. रियली really, पहला अगर पहला श्लोक आपको समझ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है अगर ये एक लाइन आप समझ गए आपको पूरी महाभारत समझ में आ जाती है क्योंकि वहां पे धृतराष्ट्र और आपको कहानी समझना है ये बहुत ही शॉर्ट uh, तो धृतराष्ट्र ये कहता है अभी ये सुनिए बहुत ही सुंदर वाक्य है वो कहता है कि मेरे बच्चों मम पुत्र मेरे भी जो बच्चे हैं और पांडु के जो पुत्र हैं उन दोनों में क्या हो रहा है वॉट इज हैपनिंग बिटवीन माई सन्स एंड पांडू सन्स अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है आपने सिर्फ भगवत भगवदगीता पढ़ाया आपको महाभारत के बारे में कुछ नहीं पता है आपको लगेगा ये पांडु है कौन पांडु नाम आ गया ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे भतीजों के साथ मेरे बेटे और भतीजे के बीच में लड़ाई क्या हो रही है ये नहीं बोल रहे कि मेरे भाई के बच्चों के साथ लड़ाई क्या हो रही है वो बोल रहे हैं पांडु के बच्चे यानी कि जैसे वो कोई स्ट्रेंजर्स है देर नो रिलेटिव वो मेरे रिलेटिव नहीं है कोई बाहर वाले लोग हैं पांडु के बच्चे हैं यानी कि मेरे बच्चे और बाहर वालों के बच्चे क्या हो रहा है और जब आप अर्जुन के बारे में सोचते हो अर्जुन क्या कहता है कि इस तरफ भी मेरे घर वाले हैं उस तरफ भी मेरे घर वाले हैं लड़ाई कैसे करूं तो धृतराष्ट्र जो कौरवों का पिता है कह रहा है कि घर वाले इस तरफ है बाहर वाले उस तरफ है अर्जुन कह रहा है मैं इस तरफ हूं घर वाले इस तरफ है घर वाले उस तरफ भी है और कृष्ण कह रहे हैं घर वालों का मतलब क्या है वसुदेव कुटुंबकम सब लोग तुम्हारे घर वाले हैं ये पक्ष कहां से आया घर बाहर अंदर बाहर भगवान के लिए अंदर बाहर कुछ नहीं है तो बोलो किसको मारोगे घरवालों को मारोगे पर अपनों को मारोगे पराए को मारोगे या किसको मारोगे किस हिंसा में धर्म है बताओ क्योंकि हिंसा के बिना बलि के बिना भोग नहीं मिलेगा जब तक पेड़ नहीं काटोगे तुम्हें लकड़ी नहीं मिलेगी हिंसा तो करना पड़ेगा लेकिन किसके पास हिंसा करोगे अपने बच्चों के साथ परायों के साथ या बाहर वालों के साथ किसको डबराओ किसके दृष्टिकोण से यह है भगवत गीता का सार अपना पराया का जो हमने ये मन में ठान लिया ये मेरा है ये तुम्हारा है ये फैमिली है ये आउटसाइड द फैमिली है ये भारतीय है ये भारत के बाहर है ये जो दायरा हम बनाते हैं श्री कृष्ण उस दायरे के बारे में बात करते हैं इसलिए कर्ण की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्ण अंदर वाला है या बाहर वाला है जब तक पता नहीं था तब तक सुतपुत्र है जब पता चलता है तो बड़ा भाई है तो बोलो कितने सुतपुत्रों को मारोगे सभी बड़े भाई निकलेंगे तुम्हारे hmm. इसलिए वो कर्ण कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है सो so ये अपना पराया का जो हम दायरा बनाते हैं वो उसके ऊपर भगवत गीता बात कर रहा है कि भैया लाइफ इज ओनली दिस दिस इज माइन दिस इज नॉट माइन क्योंकि प्रकृति में ये शब्द नहीं है देर इज नो वर्ड दर इज नो पर्सनल प्रोनाउन मेरा तेरा उसका उसका ये प्रकृति के शब्द नहीं ये संस्कृति के शब्द है और जिस संस्कृति में इसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो हिंसा की शुरुआत इस शब्द से आती है जिस दिन छोड़ दिए तब यज्ञ होता है तो यज्ञ में जब अगर आप श्रुति पढ़ते हो तो श्रुति में कहेंगे कि यज्ञ की केवल तीन चीजें हैं सॉरी देवता होता है जो खाएगा द्रव्य होता है जो खाता जो भोग होता है और तीसरा होता है त्याग तो जब मेरा त्याग होता है तो मैं द्रव्य देवता को देता हूं hmm. तब जाके यज्ञ होता है तो यज्ञ में अगर त्याग नहीं होगा द्रव्य नहीं होगा देवता नहीं होगा यज्ञ नहीं होता है तो दिस इज स्लर्टली हाई फिलॉसफी बट यही यज्ञ। दिस इज व्हाट श्री कृष्ण इज सेइंग दैट्स ऑल इट इज इट्स अ बिग बैटल ये मेरा तेरा मेरा तेरा तू तू मैं मैं जिसको बोलते हैं

जो इन्वेस्ट अच्छा करता है उसे पता है कि रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में जब तक मैं रिस्क रिस्क का मतलब है त्याग कि मैंने पैसे डाल दिए हैं कैलकुलेटेड रिस्क है लेकिन आई कैन फेल फल की चिंता मत करो गारंटी नहीं है रिटर्न आएगा तो उसकी क्षमता जो है वही भगवान होता है ना कि गया तो गया मुझ में, में इतनी ताकत है कि आई कैन हैंडल द लॉस दैट्स गुड बिजनेस इसलिए विष्णु ने वैकुंठ का निर्माण किया है we're just going to to quickly open for a couple of questions from the audience anyone who wants to ask anything पटनायक साहब जो हम लोग के धर्म ग्रंथ हैं उनको बहुत सारे लोग माइथोलॉजी बोलते हैं क्योंकि आज आपका टॉपिक इससे रिलेटेड था तो इस पे आपका मत चाहते हैं देखिए दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं सभी माइथोलॉजी हैं पहले तो ये कर देता हूं। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं होता है जो माइथोलॉजी नहीं होता है क्योंकि माइथोलॉजी का मतलब है आख्यान आख्यान हर धर्म आख्यान के ऊपर आधारित है आख्यान नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा संस्कृति भी आख्यान के ऊपर आधारित होती है ज, आख्यान के बिना संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता ये एक बात है मिथोलॉजी का दूसरा अर्थ है कुछ लोगों का सच मेरा सच ये है आपका सच को, कोई भगवान में मानता है कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है कोई पुनर्जन्म में मानता है चाइना में अलग ग्रंथ है अलग आख्यान है अलग विचार है वो उनका सच है उनका भी माइथोलॉजी है ये शब्द देखिए जस्टिस न्याय न्याय सच नहीं है वो भी एक आख्यान है समानवाद इक्वालिटी ये भी एक आख्यान है ये भी कुछ लोगों का सच है सब लोगों का सच नहीं है हक यानी कि ह्यूमन राइट्स ये भी आख्यान है ये प्रकृति में हक नहीं होता है जंगल में किसी का हक नहीं होता है संस्कृति ने निर्माण किया है आख्यान के माध्यम से सो माइथोलॉजी शब्द हमें यह याद दिलाती है कि परम सत कोई नहीं जानता है हम सब छोटे छोटे आख्यानों के आध्या आधार पर जी रहे हैं इसलिए नम्रता रखना चाहिए कि हमें पूर्ण सत्य नहीं पता है ये मेरा है ये घर मेरा है ये भी तो माया है तो माया वाली दुनिया को हम माइथोलॉजी कहते हैं तो माया की दुनिया आख्यान की दुनिया कथाओं की दुनिया आप क्या बोल रहे हो ना क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कहा कि माइथोलॉजी भारत में है बाकी लोग माइथोलॉजी नहीं है ये बहुत ही पुरानी सोच है 21वीं शताब्दी में माइथोलॉजी जिसको इफ यू स्टडी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन फिलोसफी यू विल नो दैट एवरी आइडियोलॉजी इज अ माइथोलॉजी बट क्या है लोगों को अभी तक वो 19वीं शताब्दी किताब पढ़ते हैं 21वीं शताब्दी ज्ञान के लिए आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी और मुझे लेक्चर पे बुलाना पड़ेगा फिर आपको ज्ञान मिलेगा हैं एनीवन एल्स क्या भगवान वास्तव में है इतने सारे धर्म है इतने सारे रिलीजन है सबके अलग अलग भगवान है और अगर हम लोग पशु पक्षी हैं इतने जानवर हैं वो तो किसी भगवान की पूजा नहीं करते या किसी का जाप नहीं करते तो उनके लिए फिर क्या है देखिए भगवान कुछ लोगों का सच है सब लोगों का सच नहीं है भगवान का निर्माण आख्यानों से होता है चाइनीज कम्युनिटी में भगवान शब्द है ही नहीं तो चाइना जो इतना बड़ा देश है वहां पे भगवान शब्द है ही नहीं ना तो कन्फ्यूशियस में है दाओइज्म में है ही नहीं लोग जबरदस्ती उनके ऊपर थोपते हैं लेकिन भगवान शब्द वे वेदों में भी भगवान शब्द नहीं मिलेगा आपको देवता मिलेगा भगवान शब्द नहीं मिलेगा उपनिषदों में आता है भगवान शब्द तो शब्द समय के साथ बदलते हैं ये जो अंग्रेजी में जब हम अनुवाद करते हैं देखिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है गॉड लेकिन अगर मैं कहा संस्कृत में या हिंदी में देव ईश्वर भगवान परमात्मा चार शब्द हैं इनका अलग अलग अर्थ है चारों के लिए अंग्रेजी में कहूँगा गॉड अभी इंग्लिश में लिखता हूँ गॉड तो मैं कैपिटल में लिखूँ कैपिटल जी या स्मॉल जी फिर देवी को कहाँ पे लोग, जो देवी है उनके लिए क्या शब्द है क्योंकि गॉडेस तो है नहीं क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में जुडाइज्म में तो हर आख्यान अलग होता है हमने उसको क्या है अगेन ये 19वीं शताब्दी की विचार है 19वीं शताब्दी में हम गोरों के तरफ देख रहे थे और अभी भी लोग गोरों के तरफ देखते हैं मुझे उनके तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ये प्रश्न भी 19वीं शताब्दी वाली प्रश्न है किसवीं शताब्दी में आस्तिक नास्तिक दोनों आख्यान है आख्यानों के माध्यम से हमने संस्कृति का निर्माण किया है आख्यान नहीं होंगे तो फिर आपका क्या होगा स्टोरी चाहिए ना स्टोरी मार्केटिंग में स्टोरी चाहिए विदाउट स्टोरी राजनीति भी नहीं चलेगी कहानी चाहिए विजन विजन री इमेजिनिंग शब्द का मतलब क्या है आख्यान बदलो इसका मतलब वो है आख्यान बदलो आख्यान के बिना नहीं जी पाओगे आख्यान तो आधार है आपकी जिंदगी का जिस दिन तुमने आख्यान को त्याग दिया तुम संसार को त्यागोगे उसके लिए मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज लास्ट क्वेश्चन सर विल क्विकली टेक कैन समन ब्रिंग अ माइकअर प्लीज

उसमें लगता है ये कैरेक्टर वहां तो ये कर रहा था अच्छा तो अभी ये टेक्निकल क्वेश्चन है ये भक्तों के लिए नहीं है ये एकेडमिक बुद्धिजीवियों के लिए तो रामायण महाभारत को अगर आप गौर से ध्यान करें तो कहानी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है दोनों राजघराने की स्टोरीज है दोनों कहानियों में पहला भाग होगा पैलेस पॉलिटिक्स जमीन जायदाद के ऊपर लड़ाई दूसरे भाग होगा वनवास तीसरा भाग होगा युद्ध और चौथा भाग होगा युद्ध का परिणाम सो so, अगर आप गौर से देखें रामायण और महाभारत इज लिटरली टेलिंग यू द सेम स्टोरी सिर्फ एक डिफरेंस है रामायण में कहते हैं कि अगर कोई भगवान है वो मुख्य पात्र होगा यानी कि वो राजा होता है रामायण में महाभारत में भगवान मुख्य पात्र नहीं होंगे वो कोच होंगे कोच कंसल्टेंट सो तो कृष्ण राजा नहीं है ग्वालय है उनके गाय कौन है ये राजा और राम देखते हैं कि राजा बनना कितना मुश्किल है सब लोगों के बारे में सुनना पड़ता है टेंशन है पत्नी के साथ जी नहीं सकते और कृष्ण देखते हैं कि मैं भगवान होके भी युद्ध रोक नहीं सकता भगवान होके भी सो स्टोरीज आर डिजाइंड इन अ पर्टिक्युलर वे बिकॉज रामायण एंड महाभारत मेंट टू एक्सप्लेन टू किंग्स दे आर नॉट रैंडम स्टोरीज दे आर केयरफुली डिजाइंड स्टोरीज जिसके माध्यम से धर्मशास्त्र एक देश में पहुंचा सो फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी ऑनवर्ड्स धर्मशास्त्र रामायण महाभारत ये तीन चीजें भारत में प्रचलित हुई क्योंकि राजाओं को सिखाने के लिए कि हाउ टू मैनेज अ किंगडम तो रामायण से कुछ ज्ञान मिलेगा महाभारत से कुछ ज्ञान मिलेगा सो इट्स नॉट अ रैंडम दैट्स यू डोंट फाइंड ओवरलैप्स इट्स वेरी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वेरी वेरी केयरफुल इधर जो होगा यहां नहीं होगा इट्स नॉट रैंडम एट ऑल या वी डोंट नो वी डोंट नो इट्स अभी ये सब किसी को नहीं पता कैसे बना क्यों बना कैसे बना बट द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल इसलिए इन्हें इतिहास कहा जाता है इतिहास कहा जाता है क्योंकि यहां पे वाल्मीकि जी इज प्रेजेंट इन रामायण व्यास इज प्रेजेंट इन महाभारत दे आर टेलिंग यू देर इज अ व्ट इज कॉल्ड इफ यू स्टडी लिटरेचर इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डायमोरफिज्म सो इट्स अ वेरी पर्टिकुलर टेक्निक एक टेक्निक है ये जैसे आपको बिल्डिंग बनाने का टेक्निक पता है कहानी बनाने का टेक्निक आपको सिखा सकता हूँ प्लीज बुलाइए मुझे वापस मेरा फीस मैं भेज रहा हूं आपके पास थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर अ प्लेजर प्रेम सागर रेडी टू प्लीज दो एम्बेडेड मैसेजेस हैं इन माइथोलॉजिकल इवेंट्स में कैरेक्टर्स में मूर्तियों में जिन्हें हम आंखें बंद कर लेते हैं और सब कुछ मिस कर देते हैं जो मैसेज आ रहा है एंड थैंक यू फॉर सींग दैट एक्चुअली दर वॉटर इन द बॉटल एंड नॉट जस्ट द बॉटल थैंक यू वेरी मच ये संवाद भी बहुत सही रहा मे रिक्वेस्ट मिस्टर प्रेम सागर रेडी टू प्लीज ज्वाइन मिस्टर प्रेम सागर रेडी मे रिक्वेस्ट मिस्टर नंदू बिलानी सब मे रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रेजेंट दूमेंट टू And uh, ladies and gentlemen, though we are going to be breaking for lunch after this, but it's going to be a very short lunch. Mr. Sudhanshu Trivedi is already here, the national spokesperson of BJP. He is going to be joining us. We will have a discussion real estate sector in uh, the Amritkal. Very important session again. So have your quick lunch, but just be with us for some more time as we thank Mr. Devdutt Patnaya